उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित मां बगलामुखी धाम में 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया। 10 जनवरी से शुरू हुए इस यज्ञ में कई साधकों द्वारा मंत्रोच्चार कर साधना की गई। 14 जनवरी को मां बगलामुखी मंदिर में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित मां मृत्युंगिरा देवी की प्रतिमा की तरह ही प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके पहले मंदिर परिसर में 111 किलो खड़ी लाल मिर्च से हवन किया गया। बताया जाता है कि मां मृत्युंगिरा को लाल मिर्च का भोग लगाया जाता है, इसलिए हवन में लाल मिर्च का उपयोग किया जाता है। बुधवार को भी रात 3 बजे से मंदिर में हवन पूजन किया जाएगा। उसके बाद सुबह 5:30 बजे के लगभग मां मृत्युंगिरा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गुरुवार को सुबह 11 बजे से मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। मां बगलामुखी धाम के संस्थापक महंत पीर योगी रामनाथ जी महाराज ने बताया कि मृत्युंगिरा देवी के मंदिर के लिए 1400 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश से जोत लाई गई है। इंदौर निवासी पंडित करण शास्त्री इस जोत को साइकिल से उज्जैन लेकर आए हैं। पंडित करण शास्त्री ने बताया कि प्रतिदिन 100 किलोमीटर की यात्रा कर वे 14 दिन में आंध्र प्रदेश से उज्जैन पहुँचे हैं। मृत्युंगिरा माता का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे, कल सुबह 3 बजे की माँ मृत्युंगिरा माता का पहले यंत्र साधन यंत्र का हमने सिद्ध कर रखा हुआ, वो यंत्र का प्रतिष्ठा होंगे सुबह 3 बजे से। फिर सुबह 5:20 में माँ मृत्युंगिरा माता का प्रतिमा स्थापन करेंगे। किस तरह का यज्ञ किया गया है? माँ मृत्युंगिरा माता का मिर्ची का हवन करा जाते हैं, तो इसलिए कल रात को सब 1 क्विंटल 11 किलो का मिर्ची का हवन करके माँ को आह्वान करें। फिर पूजन पाठ 5 दिवस से चल रहे हैं, फिर इसलिए कल सुबह का जल्दी प्रतिष्ठा करेंगे। कल क्या आयोजन रहेगा? कल प्रतिष्ठा होने के बाद शहर के सभी संतु लोग भक्त लोग सब आकर के भोजन प्रसाद के लिए बगलामुखी की तट पर, जब बगलामुखी का मंदिर जो यहाँ स्थापित किया गया है, हजारों श्रद्धालु आने स्टार्ट हो गए। कई ऐसी तांत्रिक क्रियाओं के नाम से यहाँ यज्ञ भी किया जाता है, इस प्रकार की मनोकामना लेकर आते हैं। माँ बगलामुखी माता सबकी मनोकामना हरण करते हैं, जो भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, दुख दूर करने का माँ पिता मुझे माता माँ बगलामुखी माता का यहाँ स्थान में नलकेड़ा जाते था। महीना मौस को हवन पूजा पाठ करने चाहते रहते था, पर मन में ऐसा माँ के आशीर्वाद हो गए, ये स्थान दे दिया माँ बगलामुखी माता का, पितंगिरी माता का। क्या सामग्री लगती है? ये खाली मिर्ची, हल्दी, ये सब अन्य जड़ी बूटी द्वारा बगलामुखी माता का हवन होते हैं। फिर राजनीति क्षेत्र में कोई भी कोर्ट कचहरी में कोई दुख तकलीफ में किसी को परेशानी तो रहते, उसी प्रकार से हवन पूजा पाठ करा जाते माँ बगलामुखी माता से। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।